हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप सभी को किसी संख्या का वर्ग करना सिखाएंगे, यदि उस संख्या में इकाई का अंक यदि 5 हो तो फ्रेंड्स इसमें देखिए वर्ग कैसे किया जाता है। देखिए इसमें 145 से 145 को वर्ग करना है, तो इसमें इकाई के अंक का जो होता है वर्ग करेंगे, यानी 5 का वर्ग करके लिखेंगे। 5 का वर्ग कितना होगा? 25। पहले 25 लिख लेंगे, यानी कि 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 25। अब क्या करता है फ्रेंड, जैसे जो अंक बचता है शेष, जैसे 14 यहाँ बचा है, 14 में हम इससे एक अधिक, 14 से एक अधिक कितना होगा? 15। इसमें दोनों का गुणा करते हैं। देखिए 15 चौको 60 हासिल 6, 15 के 15 6 21, 15 6 21 यानी कि 210 यहाँ पे लिख देंगे। यही आपका 145 का वर्ग हो गया फ्रेंड्स, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी एक करके बताते हैं आपको, जैसे 165 का वर्ग करना, कैसे करेंगे? यही तरीका अपनाएंगे, इकाई के अंक का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग कितना होगा? यानी देखिए 5 का वर्ग कितना होगा? 25 होगा, यानी कि यहाँ पे 25 लिखेंगे। फिर इसके बाद 16 है, 16 में क्या करेंगे? इससे एक अधिक, 16 से एक अधिक, देखिए यहाँ पे 16 है, 16 से एक अधिक कितना होगा? 17 होगा। अब इसका गुणा करके लिख दिए, 17 छका 102, 102 को 2 लिखेंगे, हासिल 10 बचा, 17 के 17, 17 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 27 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 272 है, 272 लिख दीजिए, 272 ये आपका वर्ग हो गया। देखिए फ्रेंड्स कितने सिंपल तरीका से आप वर्ग कर सकते हैं, किसी भी संख्या का यदि इकाई का अंक यदि 5 है तो उस संख्या का वर्ग इसी तरीका से किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।